if you can. One go. Master. Really hard. Come on. Action. You can't throw it. You have to hold it in your hand. Don't throw it up. 1, 2, 3. हर हर महादेव। अर्जुन अर्जुन फाइनली बहुत मेहनत की आपने, शगुन कर आप डिजर्व करते इस गिफ्ट को, क्या कहोगे? ऑफ कोर्स आई थिंक जो भी मेहनत करता है वो हर कोई डिजर्व करता है। अगर किसी ने सालों मेहनत की है और अपने लिए अपने फैमिली के लिए कुछ करता है तो वो उसे थरली एंजॉय उसे करना चाहिए। एंड आई बिलीव इन दैट कि अगर आप कुछ चीज़ खरीद सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, तो आपको करनी चाहिए, बिकॉज लाइफ इज़ अबाउट लिविंग। ओके अर्जुन, एक फाइनल एक वैगनआर से मैंने पता किया कि आपकी गाड़ी थी, आप मर्सिडीज तक, क्या कहोगे? कैसे मतलब जो न्यू कमर है, जो लोग आते हैं ऐसे बड़े सिटी में ड्रीम लेकर, उनके लिए क्या कहोगे आपने, किस तरह से इस चीज़ को? मैं सबसे पहले सबको यही कहूँगा कि गाड़ी इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बिलीव मी। हमारी इंडस्ट्री में ऐसा माना जाता है कि यार गाड़ी अच्छी होनी चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ कि मैंने सबसे पहले घर लिया, फिर मैंने गाड़ियाँ ली। इट इज़ नॉट, घर हमेशा रहेगा, अप्रिशिएट होगा, ये एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। तो आप पहले अपने फैमिली के लिए घर बनाइए, चकाचौंध में खो मत जाइए। बाय अ हाउस फर्स्ट, मेक श्योर यू आर वेल सेटल्ड एंड देन यू कैन बाय व्हिचएवर कार। अच्छा, पहली राइड पे कहाँ जाने वाले हो? पहली सिद्धिविनायक जाओ। अरे वाह, गणपति बप्पा मोरिया। अरे I'm just very very happy कि I can do this for my family and that's it। और आपका शो भी काफ़ी ऑन ईयर हिट जा रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है आपका कैरेक्टर स्पेशली, सो क्या कहना चाहेंगे? ये इस बात की खुशी है कि शो लोगों को पसंद आ रहा है, प्यार का पहला अध्याय शीर्षक, उस बारे में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सब चीज़ें तो यू नो दे कम अलोंग विद इट, इट्स फाइन, बट मैं इस बात की खुशी है कि अब दो शो मेरे प्यार का पहला शक्ति ऑलरेडी ऑन एयर है और इंडियाज़ गॉट टैलेंट आने वाला। और आपका कैरेक्टर भी इस बार कुछ नए अंदाज में हम देख रहे हैं, डिफरेंट देख रहे हैं, सो आप कितने एक्साइटेड है और अपने आप को स्क्रीन में देख के कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आपका कैरेक्टर इस बार बहुत ही डिफरेंट है? अच्छा लग रहा है, ऑब्वियसली व्हेन यू एज एन एक्टर व्हेन यू डू डिफरेंट थिंग्स डिफरेंट कैरेक्टर्स, आपको खुशी होती है। और सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब आपने जो सोचा वो लोगों तक बात पहुंची और उन्होंने उतना अप्रिसिएशन दिया। सो दैट्स हैपनिंग ऑन शिव शक्ति और मैं बहुत खुश हूँ। और कुछ आपके फैंस और ऑडियंस के लिए गुड न्यूज़? मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि दिस एवरीथिंग दैट आई हैव, एवरीथिंग दैट आई एम इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। और इतने साल तक आपने इतना प्यार दिया एंड बस कंटिन्यू डूइंग दैट, और मैं भी कोशिश यही करूँगा कि आपको एंटरटेन करता रहूँ।
एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज कीपिंग मी एंड माय फैमिली इन योर प्रेयर्स. चलो थैंक यू. Please help me. Whoever does it. चलो भाई अपना नंबर बेस्ट विशेस के लिए. थैंक यू सो मच. छोटे ले ले. एंड वन वो लास्ट बात के हो गया.